एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सेट रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड इन टू जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई टू माइनस थ्री जेड प्लस फाइव जेड कॉन्जुगेट, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है हमारे पास थ्री दिया हुआ है और इज इक्वल टू द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, देन 24 बीटा माइनस अल्फा हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड दिया हुआ है थ्री, तो हम एज्यूम करेंगे लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस i, राइट। z को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, 3 प्लस i, तो हमारे पास जो z कॉन्जुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस i, राइट। हमने रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हमने z को क्या अज्यूम किया, z इज इक्वल टू 3 प्लस i y, और जो हमारा z कॉन्जुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस i y। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू हम इस वाले टर्म में पुट करेंगे, तो हम पुट जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस i y माइनस 3 माइनस i y प्लस जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, यानी के 3 प्लस i y इंटू 3 माइनस i y, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2 माइनस 3 z, यानी के 3 प्लस i y। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 z कॉन्जुगेट, यानी के 3 माइनस i y, राइट। ये डिनोमिनेटर का पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में देखो हमारे पास क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने में हमारे पास आएगा 3 प्लस i y माइनस 3 प्लस i y प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ i स्क्वायर y स्क्वायर क्या होगा, i स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, i स्क्वायर हमें पता है i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी कि 9 9 प्लस y स्क्वायर, राइट, क्योंकि i स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 माइनस 3 3 9 माइनस 3 i y प्लस 15 माइनस 5 i y। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन हम क्या करेंगे, यहां पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लस 3 माइनस 3, ये कट हो जाएगा, और प्लस आई वाई है और प्लस आई वाई है, और नेक्स्ट हमारे पास नीचे में है 15 और ये माइनस 9 है, 15 टू 17, हमारे पास इंटीजर जो नीचे बचेगा वो कितना होगा, नीचे हमारे पास इंटीजर बच जाएगा 8, 15 और 2 17 माइनस 8, ओके। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 i y डिवाइडेड बाई हमारे पास माइनस 5 i y है और माइनस 3 8, ओके। तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 8 माइनस 8 i y, सही है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर सकते हैं, जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो रियल पार्ट हमारा ऊपर है 9 प्लस y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट है हमारा, इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसके साथ i है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 i y, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 माइनस 8 i, सही है। ये हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के बाद एक चीज हम और कर सकते हैं, यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे, 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 i y डिवाइडेड बाई 8 कॉमन हम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस i y। अब डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है जो कि हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास i का कोई टर्म नहीं रहे, तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे i का टर्म है तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, इसको हम कर देंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज करने में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 8 9 प्लस वाई स्क्वायर राइट प्लस 2 आई वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई वाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई वाई अगेन डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई वाई. सो नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड इनटू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 1 प्लस आई वाई. नेक्स्ट हमारे पास देखो ये जो हमारे पास है यहाँ पे हम रियल पार्ट के लिए ही कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं रियल पार्ट के लिए कर रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे जो भी आएगा इमेजिनरी पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो पहला वाला टर्म अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 1 तो ये हमारे पास देगा पॉजिटिव ऑफ 9. नेक्स्ट हमारा जो है 9 आई वाई 9 इंटू आई वाई ये इमेजिनरी पार्ट है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ रियल पार्ट रिक्वायर्ड है. उसके बाद हमारे पास है ये 9 प्लस वाई स्क्वायर है. नेक्स्ट हम करेंगे वाई स्क्वायर को 1 से तो वाई स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर. और नेक्स्ट हम करेंगे वाई स्क्वायर इंटू आई वाई तो ये इमेजिनरी पार्ट देगा, ये देगा आई वाई क्यूब तो हम इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ये 2 आई वाई को हम 1 से करेंगे तो ये भी क्या देगा इमेजिनरी पार्ट देगा, ये प्लस 2 आई वाई देगा. और 2 आई वाई इंटू आई वाई करेंगे तो ये देगा 2 आई स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो 2 आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है माइनस 2 वाई स्क्वायर क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर. और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 8 हमने कॉमन ले रखा है, 1 अपॉन 8 हमने कॉमन ले रखा है. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 माइनस आई वाई इंटू 1 प्लस आई वाई यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर और आई स्क्वायर अपने आप में माइनस 1 होता है तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आ गई टर्म. अब नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं देखो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं 9 है हमारे पास यहाँ पे और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 लिख सकते हैं. 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1. ओके उससे पहले एक और चीज कर सकते हैं ये प्लस वाई स्क्वायर है और माइनस 2 वाई स्क्वायर है इसको हम पहले एक और बार सिंप्लीफिकेशन करके क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर क्योंकि प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2 वाई स्क्वायर है तो ये हमारे पास लिख सकते हैं और नीचे में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर राइट. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं ये 10 को ये 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 और 10 माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर राइट. अब ये दोनों जो न्यूमरेटर में हमारे पास है 10 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इसको हम अलग अलग भी डिवाइड करके लिख सकते हैं. तो पहले वाले टर्म को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन 8 ये बाहर कॉमन रहेगा यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर सही है. तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1. ये सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया. अब अगर हम देखें 1 प्लस आई का जो इंटरवल होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटरवल होगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटरवल होगा ये इंटरवल कहां से कहां तक होगा ये इंटरवल कहां से कहां तक हो जाएगा ये इंटरवल होगा फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. 1 प्लस आई स्क्वायर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 टू इंफिनिटी होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटरवल कहां से कहां तक हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक राइट. ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक. और उसी तरह 10 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटरवल हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा इट विल बी फ्रॉम 0 टू राइट ये कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से 10 तक हो जाएगा. और हमें चाहिए इसका इंटरवल 10
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, टेन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटरवल कहां से कहां तक हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1 से लेकर के फ्रॉम माइनस 1 से लेकर के 9 तक, राइट? ये समझ में आया? ये माइनस 1 टू 9 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल हमें ढूंढना है ये है 1 अपॉन 8 टेन अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटरवल कहां से कहां हो जाएगा? इसका इंटरवल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 से लेकर के माइनस 1 अपॉन 8 9 अपॉन 8, राइट? ये हमारा फाइनल इंटरवल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 और 9 अपॉन 8। और ये किसके इक्वल दिया हुआ? देखो ये जो इक्वल है वो अल्फा और बीटा के, तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 और बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 अपॉन 8। और हमें फाइंड करना है 24 बीटा माइनस अल्फा, 24 बीटा माइनस अल्फा, यानी कि 24 बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 9 अपॉन 8 माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 8, ये करेंगे हम तो 8 और इसका एलसीएम आएगा और 9 प्लस 1 10, यानी कि 24 इंटू 10 अपॉन 8, 8 वन ज़ा 8 थ्री ज़ा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30। देखो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 3 है।